नमस्कार दोस्तों, वीएलई सोसाइटी में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप एक सीएससी वीएलई में कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हैं या फिर आप जो है कोई जनसेवा केंद्र साइबर कैफे वगैरह चलाते हैं और आपके पास भी ऐसा कोई मैसेज आया हुआ है जिसमें आपको बताया जा रहा है कि किसी कुटुंब ऐप के माध्यम से आप अपना वोटर आईडी कार्ड या फिर जो है अपना पहचान पत्र वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, तो इससे मैसेज को आपको क्या करना है और क्या ये ऐप सीएससी की तरफ से लॉन्च किया गया है, नहीं लॉन्च किया गया है, उसके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताएंगे। लेकिन दोस्तों, आप सभी को इस ऐप को इंस्टॉल करने से पहले ये वीडियो ज़रूर से देख लेना है, या जिन्होंने अभी तक नहीं इंस्टॉल किया उनको ज़रूर से दिखाना है, क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये ऐसा कोई ऐप सीएससी की तरफ से लॉन्च नहीं किया गया है, इसकी पुष्टि हो चुकी है। और इसके साथ ही ये ऐप क्या है, कैसे काम करता है, क्या इसमें चीज़ें हैं, वो सारी बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ बाकी दोस्तों जरूर पहुँचा दीजिए ताकि आपके लिए हम इस तरह की नई नई वीडियोज लेके आते रहे, ठीक है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आप किसी व्हाट्सएप ग्रुप में हैं, किसी टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में हैं, तो वहाँ पे आपको इस तरीके के मैसेज देखने को मिल रहे होंगे। सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर का कुटुंब ऐप आ गया है, सभी पदाधिकारी और सदस्य नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके ऐप इंस्टॉल करें और अपना पहचान पत्र डाउनलोड करें, ठीक है। इस तरीके का लिंक रहता है, अगर आप इस लिंक को कॉपी करके कहीं भी ओपन करोगे तो आपका जो है कुछ इस तरीके का वेबसाइट खुलता है, और वहाँ पर जाके अगर आप ऐप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो गूगल प्ले स्टोर या इस तरीके का कोई वेबसाइट खुलेगा जहाँ से ये ऐप डाउनलोड होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो मैसेज में लिखा हुआ है और यहाँ पे जो सीएससी का लोगो लगा हुआ है उसके बारे में। कि यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर का कुटुंब ऐप आ गया है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सीएससी की तरफ से ऐसा कोई ऐप नहीं लॉन्च किया गया है, क्योंकि जब भी कोई सीएससी ऐप लॉन्च करता है तो वहाँ पे उसका जो आपका डिजमेल है, ट्विटर है, या फिर कह लें सीएससी वीएलई को जो नोटिफिकेशन भेजा जाता है उसके भीतर ज़रूर से बताया जाता है कि ऐसी कोई चीज़ है जो आपको इंस्टॉल करनी है, जैसे कि डिजपे या सीएससी वगैरह के जो भी अन्य ऐप हैं उनके बारे में आप जानते होंगे। तो आप सभी को पता होगा सीएससी न्यूज़ या जो भी ऐप रहते हैं उनके बारे में सीएससी ज़रूर से बताती है कि आपको जो है कौन सा ऐप इंस्टॉल करना है, कौन सा नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले कि जब भी सीएससी कोई ऐप प्ले स्टोर पर अपना डालती है तो वहाँ पे उसका नाम लिखा रहता है कि उसको किसने अपलोड किया है, ठीक है। तो जैसे कि आप जाओगे अगर डिजपे या कोई भी सीएससी का जो सीएससी ऐप है उसको भी अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे लिख के आ जाएगा कि ये ऐप जो है किसके माध्यम से अपलोड किया गया है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सीएससी गवर्नेंस की तरफ से ऐप नहीं अपलोड किया गया है, और यहाँ पे देखोगे अगर कॉन्टैक्ट लिंक डिटेल जो, तो यहाँ पे देखो kutumbapp.com आ रही है। तो यहाँ पे जो मैसेज में क्लेम किया जा रहा है कि सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर का कुटुंब ऐप आ गया है, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि सीएससी का ऐसा कोई ऐप नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कुछ इस तरीके का आईडी कार्ड भी इसमें डाउनलोड करवाया जा रहा है, वो भी मेरे ख्याल से गलत है, क्योंकि इस ऐप के भीतर सीएससी का लोगो यूज़ किया जा रहा है और सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर का एक हिसाब से कहें यहाँ पे लिख के आईडी कार्ड जारी किया जा रहा है, यानी कि इसमें क्लेम किया जाता है कि आप सीएससी सेंटर आप पात्रता रखते हैं, जो लोग भी इस तरीके का आईडी कार्ड इसके माध्यम से डाउनलोड कर लेते हैं। तो अभी सीएससी ने इनको तो कोई डाटा दिया नहीं है कि हमारे ये कॉमन सर्विस सेंटर वाला है या नहीं है, इसमें कोई भी अपना डाटा फीड करके अपना आईडी कार्ड ये जनरेट कर सकता है, जो क्लेम कर सकता है कि वो एक सीएससी वीएलई है या कॉमन सर्विस सेंटर का सदस्य है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे क्या है कि आप जब भी इस तरीके की कोई ऐप यहाँ पे, जैसे कि आप देखोगे तो कई सारे सीएससी वीएलई सोसाइटी के ग्रुप में भी मैसेज आए कि वीएलई सावधान रहें, निम्नलिखित अनुसार गलत पोस्ट किया जा रहा है, जबकि सीएससी द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। किसी भी पोस्ट को फॉरवर्ड करने से पहले सूचना सत्य होने की पुष्टि करें, अन्यथा समय कार्रवाई की जा सकती है, एप्लीकेशन आपका डाटा चोरी कर रहा है, कृपया सावधान रहें और सतर्क रहें, सीएससी कॉमन सर्विस सेंटर का कुटुंब ऐप से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लियर आई थिंक मैसेज मिल गया होगा कि सीएससी एसपीवी का इस ऐप से कोई भी लेना देना नहीं है, और यहाँ पे सीएससी चूंकि आप सभी को पता है कि ऐसे सभी चीज़ों पे अपना जो है कार्रवाई करती आई है, तो बहुत जल्दी आई थिंक इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे वीएलई काफ़ी कंफ्यूज हैं और कंफ्यूजन के चक्कर में वो इस तरीके के मैसेज को फॉरवर्ड करके अपनी डिटेल तो उस पर भर ही रहे हैं, और साथ ही साथ जितने लोगों को शेयर कर रहे हैं वो अपनी जानकारी जब भी इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसकी जानकारी जो है इस ऐप के जो भी सर्वर है उस पर चली जाती है, जिसका उपयोग किसी भी सर्विस में आपका डाटा चोरी या आपका कह लें कोई भी तरह की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ या कहीं भी आपका डाटा बेचा जा सकता है। तो आप जो है थोड़ा सा सावधान रहिए, और अगर आपने ये ऐप इंस्टॉल नहीं किया है तो बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि ये सीएससी की तरफ से ऐसा कोई ऐप लॉन्च नहीं किया गया है। और अगर आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करने हैं तो आप सीएससी एसपीवी की तरफ से जो भी ऐप लॉन्च किया जाता है
सिर्फ उन्हीं ऐप को इंस्टॉल करें। जैसे कि अगर सीएससी न्यूज़ ऐप की बात करें तो यहाँ पे देखो सीएससी न्यूज़ पे क्लिक करोगे तो अपलोडेड बाय सीएससी गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड इस तरीके का लिखा रहेगा, और उस पर क्लिक करोगे तो सीएससी ने जितने भी ऐप डाले हैं उन सभी का आपको लिंक मिल जाएगा कि कौन कौन से ऐप वहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारे ऐप ही हैं टोटल जो सीएससी ने अपलोड किए हैं और सीएससी की तरफ से जारी किए गए हैं। इसके अलावा ये कुटुंब ऐप सीएससी का इससे लेना देना कोई नहीं है, तो अगर आपने इंस्टॉल कर रखा है तो इसको डिलीट कर दीजिएगा तुरंत ही। और बाकी जो है अगर आपने नहीं किया तो बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसका सीएससी से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसे किसी थर्ड पार्टी ऐप में अपनी जानकारी भरेंगे, यहाँ पे जैसे कि देखोगे 31,095 मेंबर यहाँ पे जो है ज्वाइन कर चुके हैं और 13,426 लोग ऑनलाइन है, तो इतने सारे वीएलईस तो पहले से अपनी जानकारी साझा कर चुके हैं, लेकिन अभी भी जितने लोग बचे हुए हैं उनको अगर हम बचा सकें तो काफ़ी अच्छा होगा। तो आप सभी ये मैसेज सभी ग्रुप्स में ज़रूर फॉरवर्ड करिएगा। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।